तो बोलेंगे अंटार्कटिका नहीं पता है, अंटार्कटिका का क्या बता दो, कैपिटल विंसन मासिव है और वहाँ पेंगुइन पाई जाती है भाई, जो ऑस्ट्रेच के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा पेंगुइन है, ठीक है, साइंटिस्ट रहते हैं। यूरोप की अगर बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री यूक्रेन है जिसका कैपिटल कीव है, पॉपुलेशन वाइज नंबर वन जर्मनी है जिसका कैपिटल बर्लिन है। एंजेला मर्केल इनकी प्राइम मिनिस्टर है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है, कैपिटल बर्लिन है। वहाँ की सबसे अजीम शख्सियत नो डाउट हिटलर गुजरे। दूसरी बड़ी कंट्री एरिया वाइज फ्रांस है जिसका कैपिटल पेरिस है, यहाँ की सबसे अजीम शख्सियत नेपोलियन बोनापार्ट गुजरे। पेरिस परफ्यूम के हवाले से मशहूर है और फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो पेरिस के अलावा इटली का शहर मिलान में मशहूर है। तीसरी बड़ी कंट्री यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी इस वक्त जो कोइन है कोइन मार्गरेट 52 से कोइन चल रही है, हमारी भी कोइन रहेंगी 52 से 56 तक। जनाब अली इंग्लैंड जो है बेसिकली इसी का एक पार्ट है, बेसिकली देखें ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड पे मिलके यूनाइटेड किंगडम है, फिर ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स है जिसकी मैं कभी अलग वीडियो डालूंगा बहुत डिटेल के साथ। प्रोमिनेंट कंट्री में स्पेन है जिसमें मुसलमानों का कब्जा रहा, जिसका कैपिटल क्या है भाई, स्पेन का कैपिटल मैड्रिड और सबसे बड़ा शहर बार्सिलोना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री इसके साथ जहाँ मुसलमानों का कब्जा रहा पुर्तगाल, जिसका कैपिटल है लिस्बन। जनाब अली एक स्कैंडिनेवियन रीजन आता है जहाँ बड़ी सर्दी भी होती है, डेनमार्क जिसका कैपिटल कोपेनहेगन है, नॉर्वे जिसका कैपिटल ओस्लो है जिसका पुराना नाम क्रिस्टीनिया है, स्वीडन जिसका कैपिटल स्टॉकहोल्म है, ठीक है जी, फिनलैंड जिसका कैपिटल हेलसिंकी है, और पांचवी और आखिरी कंट्री जो है इस स्कैंडिनेवियन रीजन की आइसलैंड जिसका कैपिटल रेकजावीक है, ठीक है जी। बार बार रिपीट कर लीजिएगा, बेहतरीन वीडियो है तमाम टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मेरे भाई। फिर अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में बलकान का रीजन है, काले रंग की पहाड़ी है, ये ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री जो आज़ाद हुई है यूगोस्लाविया से, बोस्निया है मुस्लिम कंट्री जिसका कैपिटल सराजेवो है, कोसोवो का भी सारी दुनिया ने तस्लीम नहीं किया इसका कैपिटल प्रिस्टिना है, एक और मुस्लिम कंट्री है अल्बानिया जिसका कैपिटल तेरान है। यूरोप तो ये तो ठहर है, तुर्की में माशाल्लाह तैयब अरदोगान जैसा अजीम लीडर आ गया है, और अगर अल्बानिया कोसोवो भी मिल गए बोस्निया भी मिल गए तो दोबारा एक ओटोमन एम्पायर बन सकती है, ठीक है जनाब अली। और एक ग्रीस कंट्री है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़कीर पाए जाते हैं, ग्रीस जिसको उर्दू में यूनान कहते हैं, एथेंस जिसका कैपिटल है जहाँ, सर्बिया जो टूट चुका है यूगोस्लाविया इसका कैपिटल बरग्राद है जिसे लैंड ऑफ साउथ स्लेव्स कहा जाता है, क्रोशिया जिसका कैपिटल ज़ग्रेब है। इसके बाद जनाब अली मैं कुछ बात करता हूँ सेंट्रल यूरोप की, जिसमें पोलैंड का कैपिटल वारसा है, हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट है, अजीब अजीब से नाम लगेंगे, रोमानिया का कैपिटल बुचारेस्ट है, स्लोवाकिया जो कैपिटल है वो भी इसी इलाके में आता है, बहुत सारी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जिसमें से खास खास मैंने आपको बताया, लक्समबर्ग का कैपिटल लक्समबर्ग ही है, नैदरलैंड्स का पुराना नाम हॉलैंड है उसका कैपिटल एम्स्टर्डम है, और ये दुनिया की वाइड कंट्री है जो समंदर से नीचे है, ठीक है जी। इसके अलावा बाल्टिक रियासतें लिथुआनिया लेटोनिया लेटविया जिससे क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, जितना मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट कल ने इंशाल्लाह टेस्ट किया।